बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। आज पूरा महाकौशल, गोंडवाना आनंद उत्सव और नृत्य में डूबा है। आज रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है और हम सबका सौभाग्य है इस अवसर पर रानी दुर्गावती जी के स्मारक का शिलान्यास करने हमारे बीच आए हैं। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुट मणि और दुनिया को भी दिशा दिखाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजा के अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी सांसद विधायक साथीगण और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। वह तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। आज रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम। और आज मन आनंद से इसलिए भरा हुआ है कि गोंडवाने की रानी, भारत के स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म की रक्षक रानी दुर्गावती जी के स्मारक का आज भूमि पूजन है। मेरे बहनों और भाइयों, कई बार मन में तकलीफ होती है। एक सरकार पहले जो वर्षों तक रही, उसने एक खानदान के लोगों को ही महिमा मंडित किया। मुझे गर्व यह कहते हुए कि नंदरई नाले पर भी रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा अगर लगाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाकर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का काम किया था। आज मुझे कहते हुए भी गर्व है कि हमारे जनजाति नायक जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस उन्होंने घोषित किया, जनजाति गौरव दिवस। रघुनाथ साय जी, शंकर साय जी की प्रतिमा जिनको तोपों के मुंह से बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। टंटिया मामा, भीमा नायक, कितने ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी है जिनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। मेरे बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम हृदय साह मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम शंकर साह विश्वविद्यालय है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्हें भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नाम दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गोंडवाने की रानी। एक नहीं, अनेकों जगह अगर स्मारक बनाए तो हमने बनाए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है और इस स्मारक के पीछे भी अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी शहडोल पधारे थे बीच में और तब हमने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली थी और तब प्रधानमंत्री जी ने तय किया था 5 अक्टूबर को मैं जबलपुर आऊंगा और रानी दुर्गावती जी के
स्मारक का भूमि पूजन करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है, आज केवल जबलपुर में लोग नहीं सुन रहे, हर गांव में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, हर गांव में आज कार्यक्रम का आयोजन है और गांव गांव में जनता बैठे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को देख रही है। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आपको याद होगा रघुनाथ साह जी, शंकर साह जी के बलिदान दिवस पर अमित भाई को 2 साल पहले गृह मंत्री जी पधारे थे और तब हमने 14 चीजें जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी, 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेशा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही, कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेशा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, हमें यह सौभाग्य मिला है। और आज वो पेशा, मुझे बता तो प्रसन्नता है, आदिवासियों को जल जमीन और जंगल के अधिकार दे रहा है। मुझे खुशी है कहते हुए पहली बार कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा, खुद बेचा और जो लाभ आया वो ग्राम सभा के खाते में गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पेशा एक्ट के अंतर्गत जो गांव में विवाद शांति और विवाद निवारण समितियां बनी हैं, वो अब छोटे मोटे विवाद वहीं निपटा देती है, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय की सीमाएं। लेकिन मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से पेशा को धरती पर उतार के मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज का कल्याण अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। और मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब कल्याण उनका संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का जो काम वो मध्य प्रदेश को सौंपते हैं, हम पूरे समर्पण के साथ करने का प्रयास करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, सिकल सेल मिशन उन्होंने लॉन्च किया, उसका काम तो चल ही रहा है, लेकिन आम जनता के लिए उन्होंने कहा आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बनवाओ। मुझे गर्व है कहते हुए मध्य प्रदेश वासियों, 3,70,00,000 आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश ने बना के 32 लाख गरीबों का इलाज करवा दिया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब आदिवासी उनके लिए वरदान बन के आई, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें ग्रामीण क्षेत्र में 38 लाख मकान प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को बनवाने के लिए दिए, 35,34,000 बना के गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न हो गया। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए मकान नहीं बनवाए, वापिस कर दिए। गरीबों के मकान बन जाते तो क्या बिगड़ जाता, कांग्रेस वालों क्या बिगड़ जाता, उन्हें मकान वापिस कर दिए, उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए, उन्हें किसान सम्मान निधि गरीब आदिवासी को भी नहीं मिलने दी, गरीब आदिवासियों को भी नाम ही नहीं भेजे उनने, उससे वंचित करने का अपराध और पाप किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम स्वनिधि, मुझे गर्व है कहते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने कहा गांव की जनता को भी उसके जमीन का अधिकार पत्र दो, उन्होंने योजना बनाई स्वामित्व और मध्य प्रदेश ने क्रियान्वित की, स्वामित्व के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और मुझे कहते हुए गर्व है बहनों के खाते में 16,000 रुपया डाल के उनकी जिंदगी को बचाने का और बनाने का बेहतर काम अगर हुआ तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। योजनाएं अनेक, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का मंत्र दिया, मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा पानी बचाओ, हमने प्रयास किया आप सबके सहयोग से, और जल संरक्षण में भी आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने बनाई स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी मिशन बना और स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। क्योंकि हम जानते हैं बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे और चीजें क्रियान्वित करेंगे तो जनता का कल्याण होगा और मध्य प्रदेश का विकास होगा। आज वो मध्य प्रदेश
जो कांग्रेस के कारण कभी बीमारू कहलाना बीमारू कहलाता था, आज मुझे कहते हुए गर्व है 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी थी, आज 1,40,000 रुपया हो गई है। टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5,00,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई है। 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को हमने दे दी है। सिंचाई की योजनाओं पे केवल 7.5 लाख हेक्टर में सिंचाई हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश और जबलपुर वालों 47 लाख हेक्टर जमीन सींच के मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने का काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार केवल 71,000 करोड़ रुपए था, आज वो 14,00,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। 14,00,000 करोड़ को प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाएंगे, हमने तय किया मध्य प्रदेश ने कि $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बना के समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सहयोग देगा, और इसलिए आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शुभ अवसर पर मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए केवल रानी दुर्गावती के चरणों में प्रणाम करते हुए इतनी ही बात करता हूं कि अगर हमने अच्छा काम किया है, और एक बार मुझे बता दो हमने कैसी सरकार चलाई, बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई, एक बार पीछे तक जरा जोर से बताएं, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई। तो आइए फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के आप आशीर्वाद देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और हर हर नर्मदे।